नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे भक्तगणों, आज है बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और इस तिथि को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस एकादशी की व्रत की विधि विधान से पूजा की जाए तो घर की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ साथ सुख शांति भी बनी रहती है। इस विशेष दिन पर पूजा फलदायी मानी जाती है। कहते हैं दिन व्रत करने वाले सभी भक्तों का पाप नाश होकर पुण्य को प्राप्त होता है। अगर आप व्रत भी नहीं रखते तो भी इस पावन दिन पर इस पावन कथाओं को श्रवण करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आइए श्री हरि लक्ष्मी नारायण की चरण कमलों का ध्यान लगाकर कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रसन्नचित मन से श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। बरुथनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मनधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि प्रभु विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वरा अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। मोर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 जितेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 11वीं इंद्रिया है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11।
क्योंकि यह देवी उनके मन भगवान की एक गार्विक इंद्रिया से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता के उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने जाने लगे। माता एकादशी की अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी से पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्वरंती कहते हैं। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी की इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा, लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्य भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। वो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग समस्या हानि परेशानी इत्यादि बन जाएगी। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारिका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार है वे सभी एकादशी के दिन हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। राजा अमरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों दीप, अजल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें सबने तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल चार दिन की चांदनी है। राजा अमरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अमरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वतम एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे। और भागवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार वे इस पृथ्वी का शासक करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान करती, किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। राजा अमरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवान भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए एक वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। उन्होंने 3 रात का उपवास किया और 1 दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौ सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका,
तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है। इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजश्री अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने की राह देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, आओ देखो तो सही यह कितना क्रूर है, यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही इसने खा लिया। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यो कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न की। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दवानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र तो मेरे पीछे लग गया है। तब दुर्वासा जी दिशा आकाश पृथ्वी अतल बीतल आदि नीचे के लोक समुद्र लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में गए। परंतु जहां जहां वे गए वहीं वहीं उन्होंने असहा तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक ना मिला तब वे तो डर गए। अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दुर्वासा जी मैं शंकर जी दक्ष भृगु आदि प्रजापति भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधारे करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के
द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्र काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असह है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि भगवान के परम धाम वैकुंठ की तरफ में भागे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत्य, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप है, भगवान के प्यारे, हजार दांत वाले चक्र देवा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो या किया हो, अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मण को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल है। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी का हृदय की सारी जलन मिट जाए। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की। तब उनका प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्त का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया, अहो, आपने मेरे अपराध भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से दुर्वासा जी चक्र से जीवन रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे दुर्वासा जी के लौटने की राह देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। दुर्वासा जी ने
बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अमरेश के गुणों की प्रशंसा की और उनके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक एक वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अमरेश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर रहे। दुर्वासा जी के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सौ परिवार ग्रहण किया। कुछ वर्ष बीतने पर राजा अमरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्र पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ननद भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। उस परिवार में ननद भाभी और भाई, इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। भाभी तो कभी कोई पूजा पाठ करती ही नहीं थी और ननद हर रोज तुलसी माता की पूजा किया करती थी, उनकी बड़ी सेवा करती थी। बिना तुलसी पूजन के ननद कभी भोजन नहीं करती थी। ननद का पूजा पाठ देख के भाभी को बहुत क्रोध आता था। कभी कभी भाभी तो अपनी ननद से ऐसे भी कह देती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना, तो मैं तुम्हें और ब्राती को तुलसी ही खाने दूंगी और दहेज में ये ही दूंगी। इसी तरह समय निकलने लगा, दिन बीतने लगी। अब तो ननद भी बड़ी हो गई थी। भाई ने अपने बहन के लिए एक अच्छा घर और वर ढूंढा। अब तो बहन की शादी पक्की हो गई। बहन की शादी वाले दिन भाभी ने क्या किया, बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। लेकिन ननद की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी माता बहुत प्रसन्न थी। इसी कारण से तुलसी माता की कृपा से तुलसी का गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया। ये चमत्कार देखकर भाभी बहुत आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं गया। उसने फिर क्या किया, अपने ननद को गहने के बदले में तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी भी सोने के आभूषण में बदल गए। ये देखकर भी भाभी बहुत हैरान हुई, मगर फिर भी अपनी करतूत करनी ना बंद किया। उसने फिर वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का जनेऊ रेशमी और सुंदर वस्त्र में बदल गया। ननद की भाभी बहुत पापिन थी, इसलिए तुलसी माता की महिमा को न जान सकी। भाई ने अपने बहन को बड़े प्यार और आदर के साथ विदा किया। बहन ससुराल में गई। ससुराल वाले उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई करने लगे। जब ये बात भाभी को मालूम हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। अब भाभी सोचने लगी, क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा करने को कहूँ। तो भाभी अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तुलसी माता की सेवा कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की अपनी माँ के जैसी ही थी, उसे तुलसी की सेवा में मन नहीं लगता था। भाभी की लड़की हर रोज सुबह स्नान करके ऊपर के मन से अपनी माँ की बात रखने के लिए तुलसी माता की पूजा कर लिया करती थी, मगर मन उसका पूजा में कभी नहीं लगा। इसी तरह समय बीतते गया। इस बार भाभी ने खुद अच्छा घर और वर देखकर अपनी बेटी का विवाह तय किया। और जब विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया, वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी। क्योंकि मैंने जो ननद के साथ व्यवहार किया, उसी व्यवहार के कारण
ननद को इतनी इज्जत मिली थी, क्यों ना मैं भी अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। अब जैसे ही बराती वाले आए, भाभी ने तुलसी जी का गमला को फूरकर बराती के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही, मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की और उसकी माँ की बहुत बुराई हो रही थी। भाभी को अपनी ननद से बहुत जलन होता था, इस कारण भाभी अपनी ननद को बहुत कम ही घर पर बुलाया करती थी। पर भाई अपने बहन को बहुत मानता था। भाई ने एक दिन सोचा, बहन की शादी किए हुए बहुत साल हो गए, क्यों ना मैं अपने बहन से मिलकर आऊं, उसके ससुराल जाऊं। अब भाई ने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताया। पत्नी से कहा, कुछ सौगात ले जाने के लिए कुछ दो। बहन का घर जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ हो तो मुझे दो। भाभी ने क्या किया, गुस्से से जुआर एक थैले में भरकर कहा, लो इसी को लो और अपनी बहन के घर ले जाओ, मेरे पास और कुछ नहीं है, यही है, इसी को ले जाओ। बेचारा पति दुखी मन से चल दिया वही जुआर भरे थैले को लेकर, और मन ही मन में सोचते जा रहा था, भला कोई भाई अपने बहन के ससुराल में जुआर ले जाता है। यही सोचते सोचते भाई बहन के ससुराल की तरफ जा रहा था। उसने सोचा, ये जुआर बहन के ससुराल ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्यों ना मैं इसे गाय को खिला दूं। भाई जब बहन के नगर के समीप पहुंचा और उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का ठेला उलट दिया। जुआर को उलटता देखकर तब गौ बालक ने कहा, ए भाई तुम ये क्या कर रहे हो, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने जब नीचे देखा तो सचमुच हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। भाई ने तुलसी माता के चमत्कार को जान लिया और जोर जोर से तुलसी माता की जयकारा लगाने लगा और सारी कहानी उस गौ पालक को बताया। सोना चांदी हीरा मोती थैले में भरकर बहुत प्रसन्न मन से अपने बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपनी भाई की बहुत आवभगत की। भाई ने अपनी बहन की सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी बहन को घर लेकर आया और रास्ते में सारी कहानी बताते आ रहा था कि कैसे भाभी ने ज्वार भरकर थैले में दिए थे और तुलसी माता की कृपा से कैसे ये ज्वार हीरे मोती सोने चांदी में बदल गए। भाई को तुलसी माता का महिमा पता चल गया था। अब भाई और बहन घर आकर अपनी भाभी को सारी कहानी बताते हैं और तुलसी माता की महत्व को समझाते हैं और पूजन करने का फल उसे भी बताते हैं। अब तो भाई और भाभी और उसकी बेटी तीनों जन मिलकर हर दिन तुलसी माता का पूजन किया करते थे और तुलसी माता भी उनके पूजन से प्रसन्न होकर उनके घर में अन्य धन के भंडार भर दिए और भाभी की बेटी को भी अच्छा घर और वर मिला। तो सभी मिलकर बोलिए, तुलसी मैया की जय हो। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक आदि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ धाम पहुंचे। बैकुंठ में विष्णु धाम के द्वार पर भगवान के दो पार्षद जय विजय द्वारपाल के रूप में बैठे थे। इन दिगंबर साधुओं को देखकर पहले तो उन्हें हंसी आ गई, फिर पूछा, आप लोग कौन हैं? ऐसे नंग धरंग यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं? उनकी बात का सनद ने बुरा नहीं माना, क्योंकि ये द्वारपाल थे और बिना पूरी जांच पड़ताल के कैसे अंदर जाने देते। अपनी वेशभूषा पर उनके हंसने का भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि बैकुंठ जैसे वैभवशाली परिवेश में ऐसे साधुओं का क्या काम। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, हम सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं, हम सदा इसी रूप में रहते हैं, इसलिए हमें अंदर जाने दो।
मगर जय विजय नामक द्वारपालों ने सनत सनकादि को अंदर नहीं जाने दिया। इससे ऋषियों को क्रोध आ गया कि इन द्वारपालों को इतनी भी समझ नहीं कि ऋषियों साधुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध में उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने देव के साथ रहकर भी दैत्य जैसा व्यवहार किया है, इसलिए अगले जन्म में तुम दोनों दैत्य कुल में जन्म लोगे। द्वार पर इस विवाद को सुनकर भगवान विष्णु स्वयं बाहर आ गए और सनत सनकादि को आदर से अंदर जाने को कहा। उधर जय विजय को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने श्राप की बात बताई। भगवान विष्णु ने कहा, उस डंडा का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, असुर कुल में तुम्हारा अगला जन्म अवश्य होगा। इतनी चिंता मत करो, तुम मेरे पार्षद हो इसलिए इसका पुण्य भी मिलेगा, मेरे द्वारा ही तुम्हें दैत्य योनि से मुक्ति मिलेगी। सनत सनकादि भगवान के दर्शन कर चले गए। जय विजय की मृत्यु होने पर उनका जन्म कश्यप ऋषि की पत्नी दीति के गर्भ से हुआ। दीति दैत्य कुलों की माता थी, अतः उसके गर्भ से जन्म लेने वाले जय विजय का नाम इस जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। उन दोनों प्रबल असुरी शक्ति थी। उन्होंने अपने उत्पात द्वारा असुरी शक्ति के बल पर असुरी राज्य स्थापित किया। उन्होंने देवलोक पर भी आक्रमण कर देवताओं को भी त्रस्त कर रखा था। उन्होंने घोषणा की कि आप से उनके राज्य के सारे यज्ञ उनके ही नाम पर होंगे, देव को कोई यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। किसी भी देवी देवता या ईश्वर की पूजा आराधना के बजाय उनकी ही पूजा होगी। देवगण कभी यहाँ पहुँच ही ना सके, इसलिए मैं पृथ्वी को ही पाताल में पहुँचा देता हूँ। यह निश्चय कर हिरण्याक्ष असुरी शक्ति के बल पर पृथ्वी को रसातल में ले गया। इससे सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई, सृष्टि का नियम भंग होने लगा, चतुर्दिक हाहाकार मच गया। ऋषियों मुनियों तथा देवताओं ने मिलकर विष्णु से प्रार्थना की, भगवान देखिए इन दो महापराक्रमी असुरों ने क्या किया, देवताओं का यज्ञ भाग छीना, पूजा पाठ धार्मिक कर्म कांड समाप्त किए और अब तो समस्त भूमंडल को ही रसातल में ले गए। उठिए प्रभु, कुछ करिए, ब्रह्मा की सृष्टि में बड़ा व्यधान उपस्थित हो गया है। आप ऋषियों मुनियों तथा मानव के रहने का स्थान बनाइए, पृथ्वी जल में डूब रही है, उसके उद्धार के लिए वैकुंठ का वास छोड़कर कोई अवतार लीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं तथा ऋषियों को आश्वासन दिया, जब पृथ्वी पर पाप का भार ज्यादा हो जाता है तो उसके उद्धार के लिए मुझे अवतार लेना ही पड़ता है, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं कुछ करता हूँ। देवताओं के चले जाने पर भगवान विष्णु ने नीचे देखा, पृथ्वी का कहीं पता नहीं, सर्वत्र जल ही जल दिख रहा था। फिर तो भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए और समुद्र में कूद पड़े। भयंकर गर्जना के साथ अपनी विशाल डांड पर पृथ्वी को रखकर वे अथा राशि को चीरते हुए ऊपर आ गए। पृथ्वी को समुद्र से ऊपर आते देख तथा वरा का भयंकर शब्द सुनकर हिरण्याक्ष बौखला गया कि किसने उसकी शक्ति की चुनौती दी है। वराह को देखते ही वह उसे मारने दौड़ा। उसका हर अस्त्र शस्त्र वराह के शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाता था। भगवान कुछ देर उसके प्रहार झेलते रहे, उसके क्रोध को भड़काते रहे। रूप भले ही वराह का था पर थे तो वे परम ब्रह्मा अनंत शक्ति भगवान विष्णु। उन्होंने एक झटके से हिरण्याक्ष को अपनी डांड पर उठा लिया और घुमाकर आकाश में दूर फेंक दिया। आकाश में चक्कर काटकर वह धराम से पृथ्वी पर वराह के पास ही गिर पड़ा। मरणासन हिरण्याक्ष ने देखा कि वह वराह अब वराना होकर भगवान विष्णु है। उसे अपना पूर्व जन्म याद हो आया। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान पाप के श्राप का आपने अंत कर दिया,
और अपने ही हाथों इस जन्म से मुक्ति दिलाई। मुझे तो मुक्ति मिली, पर मेरे भाई हिरण्यकश्यपु का क्या होगा? उसे भी तो मुक्ति दीजिए। भगवान विष्णु हंसकर बोले, समय से पूर्व किसी के पाप का अंत नहीं होता। तुम्हारे भाई हिरण्यकश्यपु के पाप का अभी अंत नहीं है। तुम्हारे अंत के लिए पृथ्वी कारण बनी, उसके अंत के लिए मुझे एक और अवतार लेना पड़ेगा। तुम्हारे लिए वराह बनना पड़ा, उसके लिए नरसिंह रूप में अवतार लेकर उसका उद्धार करना पड़ेगा। भगवान विष्णु की ये शब्द सुनकर हिरण्याक्ष ने बड़ी शांति से अपने प्राण त्याग दिए। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय।